रसिक शिरोमणि श्री गोसाई जी द्वितलात्मक भगवत रस ने संपूर्णपणे माणवानी महत इच्छा धरावता हुआ थी। एक बार आप श्री एक अगम्य अटपटी लीला आरंभी संयोग रस ने ज्यां सुधी वियोग रस आधार ना आपे त्यां सुधी ए अधूरो छे। संयोग रस त्यारे ज पूरेपूरो समझाय अने अनुभवाय के जारे एनी भूमि वियोग रस थी भींजायेली होय। रसशास्त्र ना आ नियम ने सारी रीते जाननार श्री गोसाईजी हवे भगवत विरह रस नो अनुभव मेळवा तत्पर बन्या हता। आ कार्य ने सिद्धि माटे आप श्री एक अति योग्य पात्रनी पसंदगी करी। कृष्णदास अधिकारी ने आप श्री भगवत प्रेरणा थी निमित्त बनाव्या। आचार्य श्री महाप्रभु जी ना परम कृपापात्र सेवक अने श्रीनाथ जी ना सखा श्रीहरि ने नित्य लीलाना एक प्रसंग नु स्मरण करीने श्री गोसाई जी ने आ भूतल लीला मा सहभागी थया अने लीला नो आरंभ थयो। कृष्णदासे श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी ने सेवा मा थी अमुक कारणसर दूर कर्या। श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी ना अधिकारी नी आमन्या जाळवा सेवा मा थी दूर खसी गया अने प्रभु ने दंडवत करी परासोली गाम मा चंद्र सरोवर ना कांठे जईने बिराज्या अने विप्र योग नो अनुभव करवा लाग्या। रामदास मुखिया जी श्रीनाथ जी नी राजभोग आरती थी पहुंची ने श्री गोसाई जी पासे आवता अने श्रीनाथ जी नु चरणोदक देता। श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी नी माटे फूल नी माला तैयार करी राखता अने नी अंदर पोतानी हृदय व्यथा नो श्लोक विज्ञप्ति रूपे लखी ने रामदास जी साथे मोकलावता। रामदास जी ए माला श्रीनाथ जी ने धारण करावता। श्रीनाथ जी माला मा छुपायला श्लोक काढ़ी ने वाचता अने ए पत्र मुखिया जी ने पाछा आपी देता अने वर्तो प्रत्युत्तर वीणा ना पान पर लखी ने मोकलावता। बीजे दिवसे रामदास जी ए वीणा लईने श्री गोसाई जी पासे आवता अने चरणोदक नी साथे आपता। श्री गोसाई जी पान पर श्रीनाथ जी ए लखेलो पत्र वाचता अने पछी एने खरल मा घूंटी चरणोदक मा भेळवी एनु पान करी जता। आम श्री गोसाई जी ए श्रीनाथ जी ने लखेली विज्ञप्तिओ सचवाई रही अने पाछळ थी भक्त जनों ना हितार्थे प्रगट पण थई। परंतु श्रीनाथ जी ए श्री गोसाई जी ने आपेला प्रत्युत्तरो श्री गोसाई जी ना समग्र देह ना प्रत्येक श्री अंग मा समाई गया। आम विक्रम संवत 1625 ना पोष सुद छठ थी अषाढ़ सुद पांचम सुधी ना 6 महीना श्री गोसाई जीए श्री गोवर्धन नाथ जी ना विरह मा व्यतीत कर्या। अंते मथुरा ना फौजदार बिरबल ने दरम्यान गिरी थी आ विप्रयोग नो अंत आव्यो। बिरबले कृष्णदास अधिकारी ने रातो रात पकड़ी बंदीखाने नाख्या अने श्री गोसाई जी ने फरी थी मंदिर मा पधारवानी विनंती करी। परम कृपाणु श्री गोसाई जी कृष्णदास ने आज्ञा वगर मंदिर मा प्रवेशवानी अने भोजन करवानी ना पाड़ी। श्री गोसाई जी नी आवी महोदारता जोईने बिरबले कृष्णदास जी ने बंदी खाने थी मुक्त करी दीधा अने आऊ कार्य करवा बदल ठपको दीधो। कृष्णदास परासोली आव्या अने श्री गोसाई जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करी पोताना अपराध नी क्षमा याची। श्री गोसाई जी ने फरीथी मंदिर मा पधारी श्रीनाथ जी नी सेवा संभाळी लेवा विनंती करी। महाराज मारो अपराध क्षमा करो अने आप श्री गोवर्धन नाथ जी नी सेवा मा पधारो। तमारी आज्ञा थई छे तेथी हवे जरूर आवशो। चालो अधिकारी जी आगळ था। घणी खम्मा कृपानाथ आपनी लीला अद्भुत छे पधारो। अधिकारी जी आजे कई तिथि छे? कृपानाथ अषाढ़ सुद छठ छे। आजनी तिथि ने अमे कसुंबा छठ नाम आपीए छे। आजे सर्वत्र कसुंबल रंग सजाओ श्रृंगार मा कसुंबल पीछोड़ा धरावशो। अमे आजे 6 मासना विरह पछी थी अमे अमारा प्रियतम ने मळी रह्या छे। विरह पछीना मिलन ने कसुंबल रंग ज शोभा आपे। आवो कृष्णदास तमे धन्य छो।
અમે તમને અધિકારી તરીકેની શાલ ઓઢાડીએ છીએ. આચાર્ય શ્રીના સેવક આવા જ હોવા જોઈએ, રહસ્ય લીલાના જાણકાર અને સમજદાર. અને આમ વિક્રમ સંવત 1625 થી અષાઢ સુદ છઠ કસુંબા છઠ તરીકે ઓળખાવા લાગી. સાધારણ બહુજન સમાજને આ પ્રસંગથી એવું પ્રતીત થયું કે કૃષ્ણદાસને શ્રીનાથજીના અધિકારીપણાની સત્તાનો મદ થયો અને શ્રી ગુસાઈજીને સેવામાંથી દૂર કર્યા. પરિણામે એમને એક દિવસ માટે બંદીખાને જવું પડ્યું અને જીવનનો અંત સમય પણ બગાડ્યો. પરંતુ આ તો ફક્ત જન સમાજને બોધપાઠ આપવા માટેની એક લીલા માત્ર હતી. કૃષ્ણદાસની ગુરુભક્તિનું રહસ્ય કોઈ જાણી શક્યા નહીં અને તેઓ લૌકિક બદનામે વહોરી લઈ શ્રી ગોસાઈજીને વિપ્રયોગનો લહાવો અપાવવામાં નિમિત્ત બની ગયા. એમના જીવનનો અંત સમય પણ લોકજીવોને બોધપાઠ આપવા માટેનો જ એક પ્રેરણાદાયી પ્રસંગ બની રહ્યો. બાકી કૃષ્ણદાસ જેવા પરમ ભક્ત અને કવિ હૃદયને સમજવા માટે તથા શ્રી ગોસાઈજીના અતિ રસમય સુકોમળ અંતઃકરણને ઓળખવા માટે આપણી લૌકિક સમજ વેંત ટૂંકી જ રહેવાની. આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે શ્રી ગુરુની કૃપાથી આપણે આવી અટપટી લીલાઓના રહસ્યને જાણી શકીએ, માણી શકીએ.